और उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें आरएलडी में बड़ा परिवर्तन हुआ है। जयंत चौधरी ने आरएलडी के संगठन में बड़ा फेरबदल किया है, जिसकी अपडेट इस वक्त सामने आई है। जयंत चौधरी जो आरएलडी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, संगठन को दुरुस्त करने को लेकर जयंत चौधरी ने कमर कस ली है और बड़ा फेरबदल संगठन में किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, 5 मंडलों में नए अध्यक्षों के नामों का ऐलान आरएलडी की ओर से किया गया है। 5 नए अध्यक्ष 5 मंडल में तैनात किए गए हैं। बस्ती मंडल में राधेश्याम चौधरी, गोरखपुर में रामभुवन राव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा आपको बता दें वाराणसी मंडल में सत्येंद्र सिंह और मिर्जापुर में नरेंद्र सिंह पटेल को आरएलडी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो मंडलों में अलग अलग अध्यक्षों की जिम्मेदारी अब आरएलडी में सौंपी जा रही है। कानपुर मंडल में विनोद कुमार यादव को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, 5 मंडलों में 5 नए मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति जयंत चौधरी ने की है। वहीं 21 जिलों में नए जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान भी किया गया है। निकाय और लोकसभा चुनावों के लिए आरएलडी ने ये तैयारी अभी से शुरू कर दी है। संगठन को दुरुस्त करने के लिए जयंत चौधरी ने कमर कसी है। इसी के बाबत तमाम जिलों में 21 जिलों में नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वहीं 5 मंडलों में नए मंडल अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए गए हैं आरएलडी की ओर से। इसकी जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि 5 मंडलों में नए अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आरएलडी से जुड़ी हुई। जयंत चौधरी ने बस्ती मंडल में राधेश्याम चौधरी, गोरखपुर में जो सीएम सिटी है गोरखपुर, वहां पर राम भुवन राव को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं वाराणसी मंडल में सत्येंद्र सिंह और मिर्जापुर में डॉक्टर नरेंद्र सिंह पटेल को आरएलडी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, कानपुर मंडल जो महत्वपूर्ण माना जाता है, वहां पर विनोद कुमार यादव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा 21 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी आरएलडी में की गई है और जयंत चौधरी ने इसका ऐलान कर दिया गया है। प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है पार्टी की ओर से, जिसमें बताया गया है कि 5 नए मंडल अध्यक्षों के साथ साथ 21 जिलों में 21 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान भी किया गया है। निकाय चुनावों को लेकर के आरएलडी इस वक्त मुस्तैद नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में ही निकाय चुनाव लड़ेगी पार्टी। इसको देखते हुए भी इन नामों का ऐलान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको आरएलडी जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, उस संगठन से जुड़ी हुई जानकारी आपको बता रहे हैं। 5 मंडलों में नए अध्यक्षों के नाम का ऐलान जयंत चौधरी ने किया है, जिसकी जानकारी इस वक्त सामने आई है। आपको बता दें कि बस्ती में राधेश्याम चौधरी, गोरखपुर में रामभुवन राव को मंडल अध्यक्ष की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो आरएलडी में सौंपी गई है और जयंत चौधरी ने इसका ऐलान किया है। बनारस में सत्येंद्र सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है, जबकि मिर्जापुर में नरेंद्र सिंह पटेल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कानपुर में विनोद कुमार यादव को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ 21 जिलों में आरएलडी ने नए जिलाध्यक्षों को भी तैनाती दी है और 21 जिले कौन कौन से हैं इसकी लिस्ट भी सामने आ चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, निकाय और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आरएलडी ने अपनी तैयारी शुरू की है और इसी वजह से अब संगठन को नया रूप दिया जा रहा है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने संगठन को दुरुस्त करने के लिए कमर कस ली है और तमाम नेताओं को अब मुस्तैद रहने के लिए कह दिया है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, 5 नए मंडल अध्यक्षों के नामों का ऐलान आरएलडी ने कर दिया है।